काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एनसीसी के बटालियन। हो गया इधर भी खींचे लोग अरे थोड़ा देखो टेढ़ा रखा है देखिए 28 यूपी गर्ल्स बटालियन है ये। गुड मॉर्निंग सर, ये क्या है मतलब किस मुहिम पे? मैडम गुड मॉर्निंग बताएं क्या है ये? आज 31 अक्टूबर है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन, जिसको हम लोग एक यूथ डे की तरह मना रहे हैं, राष्ट्रीय दिवस के रूप में मना रहे हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश को एक बनाने के लिए, उनको अखंड भारत बनाने के लिए अपना जो योगदान दिया है, उसके उपलक्ष्य में उनको याद करने के लिए इस तरीके से हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाएंगे। ये मार्च पास कहाँ से कहाँ होगा? ये बीटी से शुरू होकर हम लोग मालवीय भवन तक जाएंगे। मालवीय भवन के बाद डिस्कसल होगा 89 और 28 के बीच में जो स्पेस होगा। क्या गुड नेम हुआ आपका? मैं GCI श्रुति श्रीवास्तव, सीनियर GCI श्रुति श्रीवास्तव। सर आज, हाँ आज क्या है? आज 31 अक्टूबर है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है, जो कि बीटी से लेकर मालवीय भवन से होते हुए ग्रुप हेड क्वार्टर ट्रेनिंग एरिया तक हम अपने बच्चे को सिंगल मार्च करके ले जा रहे हैं, नारा लगाते हुए जाएंगे। अच्छा चलिए, आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। वॉलंटियर? हाँ चल ओके। द रन फॉर यूनिटी। हाँ ओके। क्या डे आज? नेशनल यूनिटी डे। 31 जनवरी क्यों है इधर गर्ल्स? हाँ बहुत सही बोला उसने, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की उसको जन्म वो आप वो कह सकते हैं, ठीक है। और ये रन का जो अभी मैं आपको 2 मिनट लूँगा ये बताने में, ये जो आज इस दौड़ का आयोजन किया है ये उनकी याद में उनके सम्मान में किया गया है। अगर हम इतिहास में जाएंगे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे हमारा पूरा देश छोटे छोटे प्रांतों में बंटा हुआ था। जब अंग्रेज यहाँ से अपना शासन ख़त्म करके गए तो वो जो राजाओं वाला सिस्टम था वही हमारे यहाँ पे प्रोविंस चल रहे थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, उनका ये योगदान था इन सारे प्रांतों को, सही शब्द उसका प्रांत, इन सारे प्रांतों को एक करके एक देश के रूप में, जो आज हम जिसको हम एक भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, ठीक है, उसके स्वरूप में इसका निर्माण किया था, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उनका जो एकीकरण हुआ था सभी प्रांतों का, उनको जो मिलाया था, उसी की याद में आज ये यूनिटी रन हम कर रहे हैं, ताकि हमें याद रहे और हम ये पूरे जनमानस में ये मैसेज दें कि हम एक हैं और हमेशा हम एक रहेंगे, एक में ही हमारी मजबूती है। क्लियर हो गया? चलो के साथ गुड। अभी आ जाओ आप सभी, देखिए खड़ा हुई है सर, फिर 3 UP आर्मर, 28 UP गर्ल्स बटालियन एंड 89 UP बटालियन ऑफ NCC, ये सभी ने, इसमें एक जितेंद्र जी हैं, इन सभी लोगों ने कंडक्ट कराया है। और आप देख सकते हो राष्ट्रीय एकता दिवस को समर्पित NCC का ये उद्बोधन। आप साइकिल निकाल लीजिए, हमको क्या बता रहे हैं, हम तो निकालेंगे, वेट कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हो, ठीक है।
क्या नाम है आपका? जैन सर, माय नेम इज सीनियर अंडर ऑफिसर कामाक्षी पांडे एंड सर आई हैव रिसेंटली अटेंडेड ऑल इंडिया थर्ड सैनिक कैंप. टेल मी समथिंग अबाउट दिस डेट. सो सर टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वी आर डूइंग अ रन फॉर यूनिटी राष्ट्रीय एकता दिवस द यूनिटी प्रोग्राम ऑफ इंडिया इन विच ही मर्ज ऑल द स्मॉल पार्ट्स ऑफ इंडिया and presented them as one, like different regions, different cultures and different continents, different people from different areas, religions are united as one, because we do not represent Uttar Pradesh, Delhi, Telangana, Andhra Pradesh, we represent India, we represent Bharat. So that is for what we are conducting this, we are initiating this program to motivate people for initiating unity. कुछ नारे लगाइए आप जरा था सर जो इससे जुड़े हुए हैं सर बताइए मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत is the motto that we live for. Like without unity we cannot do anything. Like अगर इंडिया में कोई वॉर है एंड वी आर स्टैंडिंग अपार्ट नहीं वी आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश वी विल नॉट फाइट फॉर इंडिया दैट विल नॉट लेट अस टू विन. So, एक बार श्रेष्ठ बार इज द थिंग. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. ये रन फॉर यूनिटी.